दोस्तों रोडीज के इस सीजन में पीआई राउंड के दौरान ऐसा लग रहा था कि प्रिंस नरूला इस बार के रोडीज के सीजन को एक तरफा लीड करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों प्रिंस नरूला के अलावा अगर हम बात करें बाकी के दो बचे हुए गैंग लीडर्स के बारे में, जैसे कि रेया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी, तो इन दोनों को ही रोडीज का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों नए गैंग लीडर्स हैं और इन दोनों को इन गेम की इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है। इसके चलते पीआई राउंड में भी हमें देखने को मिला कि प्रिंस नरूला कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट करने में भी रिया और गौतम से आगे ही चल रहे थे, और वो जिस भी कंटेस्टेंट को चाह रहे थे अपनी टीम में लाना वो उनकी टीम में आ रहा था, और वो जिस भी कंटेस्टेंट को चाह रहे थे उन दोनों बाकी बचे गैंग लीडर्स की टीम में भेजने की वो उनकी टीम में भेज भी रहे थे। मतलब कि एक तरफा अपना सिक्का जमाया हुआ था प्रिंस नरूला ने पीआई राउंड के दौरान। लेकिन दोस्तों अब रोडी जर्नी के दौरान गौतम गुलाटी ने बाजी मार ली है और दिखा दिया है कि चाहे उनको एज ए गैंग लीडर इतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन टास्क कैसे करते हैं और कैसे करवाते हैं उसका एक्सपीरियंस उनको भली भांति है। और दोस्तों यही देखने को मिला हमें एविक्शन राउंड में, जब गौतम गुलाटी की गैंग को प्रिंस नरूला और रिया चक्रवर्ती की गैंग ने अलायंस करके टारगेट किया, और उसके बाद गौतम की गैंग से एक लड़की को वोट आउट भी किया, लेकिन सोनू अस्त्र के चलते उस लड़की को एक और मौका मिला और टास्क के जरिए अपने आप को साबित करने का मौका भी मिल गया, जिसके चलते गौतम गुलाटी के गैंग से एक बार फिर एक टास्क हुआ और गौतम गुलाटी की गैंग ने फिर से बाजी मार ली और दिखा दिया कि चाहे प्रिंस इस गेम का सरताज हो, लेकिन गौतम गुलाटी की गैंग किसी से कम नहीं है। बाकी दोस्तों आपको गौतम गुलाटी के गैंग की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।